अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो मस्जिद की एक मीनार शाहना मस्जिद के पास सोशल डिस्टेंस के लिए ये रखा गया है, और ये बंदों को बहुत गर्मी हो रही थी उनके लिए सोशल डिस्टेंस रखा गया है, उनको मारकोट डाल के दिया गया है। जो गवर्नमेंट का पालन है वो पालन कर रहा है। मस्जिद शाहना कमेटी की जानिब से जो तजारत लोग तजारत करते हैं फूल फल फ्रूट का, उनके लिए बहुत ही हजूम जमा हो रहा था। उनको डिस्टेंस के लिए कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा डिस्टेंस रहना 4 फीट 5 फीट का, बल्कि उनको मारकोट डाल के और बंदे वालों को हैंड क्लोज देकर एकदम एहतियात से पाकिजी से कारोबार करने के लिए, उनको पब्लिक को भी सहूलत होना और उनको कारोबार ख़रीदारी के लिए भी सही इस तरीके से एकदम साफ सुथरा होना, और कोई भी ऐसी चीज़ रंदे एकदम डिस्टेंस ठहर के दूर ठहर के लेना। इसके अलावा भी जो लोग समझदारी से काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और पुलिस वाले भी जो इंतज़ाम किए हैं उनका शुक्रगुजार हैं हम, जो हमारे लिए इतना कोशिश कर रहे दिन रात। PSI साहब, DSO साहब, सर्कल साहब और तहसीलदार साहब, खासकर तहसीलदार साहब का तो बहुत ही शुक्रगुजार हैं जो हमको इतने डिस्टेंस से और इतने डिसिप्लिन से रखे हैं। हमारा लंद तालुके में फिर भी बहुत सही तरह से कंट्रोल भी किया गया है। तहसीलदार का हम बहुत शुक्रगुजार हैं, उनके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं, और उनका इंतज़ाम भी ऐसा है, किसी का भी मुलाजा नहीं रख रहा हूँ। ये बीमारी ऐसी है, इसकी दवा नहीं है, इसलिए हमारे आम आवाम के लिए कोशिश किया गया है। आम समझ रही नहीं है, एहतियात नहीं कर रही पब्लिक, फिर भी पब्लिक एक जगह जमा हो जाती है। इसके अलावा और आगे क्या बोल सकते हैं, पब्लिक को जितना समझना है हम बोले नहीं समझ रहे, फिर भी एक जगह जमा हो रहे हैं। डिस्टेंस रखना चाहिए, और इसके अलावा भी आवाम जो समझदार है अपने एहतियात में रह के दूर ठहर के ले लो, और इतना कहते हैं मैं ख़त्म कर देता हूँ। सबसे पहले तमामी देशवासियों को इस मुकद्दस महीने रमज़ान की मुबारकबाद। जैसा कि आपने यहाँ पे सुना कि मस्जिद महमूदिया शाहना में, जबकि हमारा रोड के बिल्कुल ही बाजू में मस्जिद होने की वजह से बहुत सारे एरिया के लोग यहाँ ख़रीदारी करने के लिए आते थे, इसकी वजह से थोड़ा बहुत हुजूम हो रहा था, ज़्यादा नहीं हो रहा था, मगर फिर भी जैसा कि हुकूमत की तरफ से हुक्म था कि सोशल डिस्टेंसिंग रखा जाए, लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए फासला रखा जाए, इस बिना पर महमूदिया शाहना मस्जिद कमेटी की तरफ से तमाम ही गाड़ी वालों को एक मारकोट डाल के दे दिया गया कि भाई तुम इसी जगह पर रह के अपना कारोबार करना है, इसी जगह पर रह के अफ्तार का सामान बेचना है। और ख़रीदने वालों को भी ताकीद की गई है कि आप भी इतना डिस्टेंसिंग के अंदर ही खड़े रहकर आप लोग अपना सामान ख़रीदें। जैसा कि हुकूमत कर्नाटका ने जो अहकाम दिए हैं उसका महमूदिया शाहना मस्जिद की तरफ से सख्ती के साथ में इन नियमों पर अमल किया जा रहा है। आप जैसे कि देख रहे हैं मस्जिद बिल्कुल मस्जिद बिल्कुल ही खाली है। मस्जिद में हर नमाज में जैसा कि हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि 5 लोग नमाज पढ़ सकते हैं, 4 या 5 लोग, तो उस हिसाब से मस्जिद के मेम्बरान इमाम और मौज़िन साहब यही लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, बाकी के बाहर के कोई लोग अंदर आने की उन्हें इजाज़त नहीं है। अजान के बाद में भी बाकायदा ऐलान किया जा रहा है कि आप लोग अपने घरों में रह कर नमाज को अदा करें। लिहाजा हमने हुकूमत के तरफ से जो भी अहकाम दिए गए हैं, जो भी निर्देश दिए गए हैं, महमूदिया शाहना मस्जिद और इंतज़ामिया कमेटी उस पर सख्ती से अमल पैरा है, और तमाम लोगों को भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए। ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है जो कि एक दूसरे से मिलने की वजह से फैलती है, तो हुकूमत ने जो अहकाम दिए हैं उस पर अमल पैरा हो जाए। ठीक है।